हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनट्रोल कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो यार, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपको कैसे आरएमएस का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, थोड़ा डिले हो गया था, तो अब देखो एक एक चीज़ को हम समझने वाले हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। राइट, उससे पहले हमें क्या करना है कि जो बेसिक्स जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको अच्छे से एक बार ही समझ देना। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर पे जाना है, क्रोम वगैरह पे आप आरएमएस स्कूल लिखोगे, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपके सामने जो ये वाली साइट आएगी, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in, ठीक है, आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे आप, आगे इसमें प्रोसीड करोगे तो आपके सामने साइट खुल करके आ जाएगी। इनकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है, पूरी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल साइट है। ओके, आप थोड़ी नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये कॉर्नर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, कि CET 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लेना। आपने क्लिक करा फिर आपके सामने ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ आपके सामने ये देखो, CET नियम एवं शर्तें आपको यहाँ पे लिखा है। ये मेन चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है वो एक बार हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये चीज हमें समझनी होती है एक बार अच्छे से ना। देखो, सबसे पहले लिखा है परीक्षा के आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए नियम एवं शर्तों को सहमत होना चाहिए। इनको अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो आप केवल ऑनलाइन ही इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे जाएंगे या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट पे चले जाओगे, बट अभी नहीं करना, अभी आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लेने हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि एक उम्मीदवार आप इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कैसे इसे रीड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन करना जरूर है, कई बार कुछ अगर आप जल्दीबाजी में निकल जाते हो फिर आगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आप एक ही वो कर सकते हो, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट। आप एक ही फॉर्म को क्या कर सकते हो, मतलब एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल करेगा, ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग दो से कर लिया, ठीक है, तो वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू द सेम लेवल, ऑल द CET एप्लीकेशन फॉर्म शैल सिंपली बी रिजेक्टेड विदाउट नोटिस, ठीक है। अगर एक से दिख करा तो जितने आपके करोगे सब आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। CET वेबसाइट पर व्यक्ति से पालन करना चाहिए, वो तो है कि ओके। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस, ध्यान रखना आपकी जो ईमेल होगी जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल और आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें SMS के थ्रू हो जाएगा, साफ साफ लिखा है, ठीक है। सूचना का संचार दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी बात। फिर लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपको क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को देखने की कैसे कैसे आपको यहाँ पे स्टेप में फॉर्म फिल होना है। पहला कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, आपका एक मोबाइल नंबर होगा, एक ईमेल आईडी होगी, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर क्या है आपका कि एप्लीकेशन में नोट डाउन द सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर, आपके एक ईमेल पर और एक जो आपने नंबर डाला वहाँ पे आपको SMS थ्रू क्या मिलेगा, एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड वगैरह जो भी होगा वहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे हो जाएगी। फिर अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिटेल्स विल बी मैंसन ऑन द एक्चुअल फॉर्म एज वेल, ठीक है। जब आपको वहाँ पे फिर फॉर्म वॉर्म भर लेना है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट पाएंगे वो आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपको लास्ट में अपनी फी को क्या कर लेना है, पे कर लेना है, और उससे फिर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फाइनल फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बाद में क्या हो जाएगा, कुछ एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे बाद में, वो आपको फिर बाद में बता दिया जाएगा जब आपकी फ़ी वगैरह सक्सेसफुल हो जाएगी। फीस में ऐसी होगी 500-600 रुपये इसमें फ़ी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो फी रिफंड नहीं होती है, ठीक है। देखो, एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फ़ी, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा वो, ठीक है, ये मत सोचना कुछ हो गया तो फी रिफंड हो जाएगी। इस तरीके से आपको भाई इनको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अंतिम तिथि की आई थिंक 18 अक्टूबर होगी, ठीक है। चलो, तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है, हम यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे, इसको हमने यहाँ पे आगे सबमिट कर लेना है, ठीक है। सबमिट करा तो मेन अब हमारे सामने जो फॉर्म वाला पोर्टल आ गया वो ये आ गया, ठीक है। एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एट चैल अजमेर बेलगाम बेंगलुरु एंड धौलपुर फॉर क्लास 6 और क्लास 9, ठीक है, 2024-2025 के लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार होने चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अपने पे रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, फॉर्म भरते टाइम लेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता रहे कहते, ठीक है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो जनरल को छोड़कर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है वो, ओके। चलो,
तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ अगर आप रीड करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख लोगे। भले मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो दी थी कि राष्ट्रीय मिड स्कूल की ऑल इन्फॉर्मेशन, उसमें सारा कुछ इंक्लूड है, ठीक है। जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ उसमें मैंसन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। फिर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो जाएगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे और नीचे देखना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर को है, 18 सितंबर से स्टार्ट और 18 अक्टूबर को है, ठीक है। बी रेडी विद ऑनलाइन पेमेंट, वो भी सब कुछ आपको यहाँ पे पेमेंट स्टार्ट रखना है, क्लियर हो गया। यहाँ से आप डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस कर लेना। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। चाहे आप रजिस्ट्रेशन करो, चाहे आप वहाँ पे कर लो। ओके, चलो आपके सामने ये आ गया, देखो साफ साफ लिखा है 6th के लिए ही गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, 9th में गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर आपको हिंदी में देखना है, ठीक है, तो ये वाला करना, इंग्लिश में देखना है तो ये वाला करना। यहाँ पे देखो, बिफोर बिगिनिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग थिंग्स रेडी। आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, देख रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास के यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट और वो 5 MB से कम का होना चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, देख रहे हो आपके पास, एक तो मैंने बोला कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपका साइन होना चाहिए, और फिर आपके क्या होना चाहिए, पेमेंट डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। और भी अभी इसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होंगी नीचे, वो भी देख लेते हैं। फिल ऑल द कंपल्सरी फील्ड मार्क, सब कुछ भरना है। मेंशन ऑल 3 डिफरेंट चॉइसेस एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर को अपना वहाँ पर चूज करोगे, तो कम से कम आपको वहाँ पर 3 करना है, ठीक है। कम से कम आपको वहाँ पे कितने करने हैं, 3 करने हैं, लेकिन जो है ये लिखा है पे 3 डिफरेंट चॉइसेस, ठीक है। मेंशन ऑल द 5 डिफरेंट चॉइसेस स्कूल फॉर एडमिशन, आप स्कूल को फिल चॉइस को फिल करोगे तो 5 आप कर सकते हो, 5 स्कूल है आपको पता है, ठीक है। गिव कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, एड्रेस आपको बढ़िया से देना है, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे सारे क्या कर लेने हैं, वो अपलोड कर देने हैं, ठीक है। अपलोड आपने कर लिए, फिर आपने यहाँ पे फी भी वो कर दिया। इन केस ऑफ डुप्लीकेट और मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड बाई कैंडिडेट, ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्ट, अगर आपने एक से ज़्यादा करा, एक ही वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर आप इसे हिंदी में भी रीड कर सकते हो इनको, अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे आप हिंदी में भी सेम चीज़ आपको लिखी है। फिर यहाँ पे कैटेगरी कोड डिस्क्रिप्शन, जब हम आगे फॉर्म फिल करेंगे, हमारे सामने कैटेगरी कोड आएंगे, हम कौन सा फिल करेंगे वो चीज़ आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे भाई देखनी है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। जूम होगा, ठीक है, इस चीज़ को भाई बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गौर से आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला है हमारे यहाँ पे कैटेगरी कोड डिस्क्रिप्शन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप यहाँ, ठीक है। आपको लिखा है कैटेगरी 1, वहाँ पे लिखा होगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, तो वो आपको फिल करने से पहले ये समझना है। जो JCOs हैं, जो अदर रैंक्ड ऑफिसर हैं, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जिन्हें हम रैंक्ड ऑफिसर भी, मतलब उनके पास कमीशन कुछ पावर होती है, वो आपको पता ही होगा, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं या जो अदर रैंक, जो भी रैंक है, ठीक है। अगर आप जनरल हो, ध्यान से देखना, अगर आप जनरल हो और आपके जो जो पेरेंट्स हैं वो अगर JCO है या कोई भी रैंक उनकी है, ठीक है, और वो जनरल में है, तो आप फिर कैटेगरी 1 को सेलेक्ट करोगे आगे जब रिजर्वेशन का फंड आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब, सर्विंग और रिटायर्ड, ठीक है, चाहे आप सर्विंग सर्विस में हो या अभी आप रिटायर्ड हो गए हो, JCO या अदर रैंक ऑफ आर्मी हो, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हु डू नॉट बिलोंग टू OBC एंड SC/ST कैटेगरी शैल अप्लाई इन दिस कैटेगरी, समझ रहे हो। अगर आप JCO हो, ठीक है, और OR या अदर रैंक्ड ऑफिसर हो, लेकिन आप जनरल हो, तो आप कैटेगरी 1 को सेलेक्ट करोगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है JCO और OR सेना में सेवारत एवं रिटायर्ड JCO और OR या वायुसेना या नौसेना में जो OBC एवं SC या ST श्रेणी से संबंधित नहीं है, इस श्रेणी में आवेदन करेंगे, क्लियर है बात, ओके। फिर देखो, इसमें कैटेगरी 2 कौन सेलेक्ट करेगा, जो JCO हैं, ठीक है, कैटेगरी 2 कौन सेलेक्ट करेगा, जो JCO होंगे, अदर रैंक ऑफिसर होंगे, ठीक है, और वो कि वो अभी या तो सर्विंग कर रहे होंगे या रिटायर्ड होंगे, ठीक है, वो ये पर्टिकुलर OBC वाला है, ठीक है। अगर आप JCO हो या अदर रैंक्ड ऑफिसर हो, लेकिन आप OBC से भी बिलोंग करते हो, तो फिर आप इसको फिल करोगे, ठीक है, ओके सर। फिर देखो, जो इसमें नेक्स्ट आएगा आपका क्या, कैटेगरी 3 में क्या आएगा, JCO आएंगे या अदर रैंक्ड ऑफिसर आएंगे, अगर वो SC से रिलेटेड है,
आई मीन एस सी कैटेगरी से हैं, JCO हैं, ORG, अभी JCO ORG की ही बात हो रही है बात, ठीक है। तो आप कैटेगरी 3 को सेलेक्ट करना, चाहे आप रिटायर्ड हो चाहे आप सर्विंग हो, सर्विस में हो, ठीक है। ओके सर, फिर देखो यहाँ पे कैटेगरी 4 कौन सी होगी। कैटेगरी 4 होगी JCO और अदर रैंक ऑफिसर, ये ST वाले हैं। तो आप कैटेगरी 4 को सेलेक्ट करना, ध्यान रखना। अगर आपने कुछ वहाँ उल्टा पुलटा कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फॉर्म आपका आगे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके कैटेगरी 5 में, इम्पॉर्टेंट है ये आपका KIA। KIA का मतलब क्या है यहाँ पे, KIA का मतलब है यहाँ पे किल्ड इन एक्शन, मतलब जो आर्मी वगैरह में, नेवी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में वो ड्यूटी के दौरान कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कोई जैसे वॉर टाइप का होता है ना, कभी वो किसी ऑपरेशन में जा रखे हैं ना, तो उस टाइम अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ दिक्कत हो गई, किसी की डेथ हो गई, उसे हम कहते हैं किल्ड इन एक्शन, ठीक है। उनके जो बच्चे होंगे सन्स ऑफ वॉर विडोज, देखो वॉर वॉर विडोज हम उनको कहते हैं, ठीक है। मतलब जो किसी ऑपरेशन में गए थे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके घर में आप सिर्फ सिंगल मदर होंगे, ठीक है, ऐसा किसी के साथ ना हो लेकिन फिर भी है, ठीक है। तो आप इस कैटेगरी में सेलेक्ट करोगे, KIA में सेलेक्ट करोगे, ठीक है। चलो फिर देखो, और इससे पहले जो मैंने आपको मिलिट्री स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसमें मैंने आपको सारा ये रिजर्वेशन भी बताया था किसमें कितना परसेंट है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट है इसमें आपका क्या, कैटेगरी 6 में क्या है। अब कैटेगरी 6 है आपकी सिविलियन ऑफिसर के लिए, ठीक है, जो नॉर्मल सिविल लोग हैं, ठीक है, जो डिफेंस रिलेटेड नहीं है। अगर आप जनरल में हो, जो कोई भी नॉर्मल ऑफिसर है, ठीक है, और जो कोई भी सिविलियन वगैरह में है, ठीक है, या जो नॉर्मल सिविलियन मतलब साधारण जो हम लोग हैं, ठीक है, तो जनरल, अगर आप जनरल से हो तो आप कैटेगरी 6 को करना। ऑल वार्ड्स ऑफ सिविलियंस हु डू नॉट बिलोंग टू OBC एंड ST आप फिर इसको करोगे भाई, ठीक है। ओके सर, फिर देखो यहाँ पे कैटेगरी 7, कैटेगरी 7 में कौन आएंगे, सिविलियन आएंगे, OBC आएंगे। अगर आप OBC हो, ठीक है, सिविलियन जो नॉर्मल लोग है, कोई भी है जो OBC में, वो कैटेगरी 7 को फिल करेगा, और जो JCO था या OR था और वो OBC में थे, तो ऊपर वाली कैटेगरी जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस करी है उनमें आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर यहाँ पे कैटेगरी 8 में कौन आएगा, सिविलियन आएंगे, ठीक है, ऑफिसर आएंगे जो SC वाले होंगे, ठीक है, SC कैटेगरी वाले, कैटेगरी 8 को आप लोग सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी 9 में कौन है, ST वाले आएंगे, यहाँ पे ST वाले आएंगे, ऑल वार्ड्स ऑफ सिविलियन वगैरह जो भी ST वाले आएंगे। बस ये आपके यहाँ पे टोटल जो है 9 कैटेगरी थी टोटल, तो ये आपको भाई क्लियर होनी चाहिए, 9 कैटेगरी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस हिसाब से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, कैटेगरी जो रिजर्वेशन लेगा इस हिसाब से लेगा। होप आपको ये चीज़ यार अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की हम तरफ चलते हैं, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ तो आ ही रखे हैं यहाँ पे, हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो आपने क्लास को सेलेक्ट करना है, अगर आप 6th क्लास से हो या 9th क्लास से हो तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आप 9th वाले को सेलेक्ट कर रहे हो या 6th वाले को, जो भी आपको करना है, अगर 6th को भी करो 6th को कर लेना, जो भी आपका होगा। आपको यहाँ पे जेंडर देखो, जब आप 6th करा तो आपके सामने मेल और फीमेल खुल गया होगा, एंड आई थिंक जब हम यहाँ पे 9th करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेल ही आएगा, है ना, क्योंकि फीमेल तो गर्ल्स तो वहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके भाई, चलो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया आपका मेल फीमेल जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने अपने यहाँ पर पूरा नाम डाल दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं फिलहाल, ये तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, अनरोड कॉन्सेप्ट फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फिर इसमें आपका क्या, आपने यहाँ पे नाम लिख लिया, अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, फिर आपने इसे सबमिट कर लेना। जैसे हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा, प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म भरोगे, ऐसे कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको थोड़ी केयरफुली करना होता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लॉग इन डिटेल्स हैज बीन सेंट टू योर रजिस्ट्रेशन, अब आपको कैसे लॉग इन करना है वो डिटेल आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने यहाँ पे नंबर डाला था, जो आपने यहाँ पे ईमेल डाला था, उस पे आ चुका होगा, ठीक है, उस पे आ चुका होगा। ये आपके यहाँ पे फिक्स नाम वगैरह हो जाए, अभी आप इसे एडिट वेडिट भी कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे। कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे फिर से उन्होंने कैटेगरी को मैंसन कराया है ना, क्योंकि अगर आपने वहाँ छोड़ दिया है कैटेगरी को रीड करना, तो उन्होंने बोले कि भाई एक बार यहाँ पढ़ लो, लेकिन ज़रूर पढ़ लो, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को भाई, ठीक है। OBC क्रीमी लेयर, ये क्रीमी लेयर है ठीक कैटेगरी, ठीक है। OBC छात्र सामान्य, OBC क्रीमी लेयर स्टूडेंट विल अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। देखो जो क्रीमी लेयर है, जनरली जो रिजर्वेशन होता है ना OBC का, वो मेनली OBC NCL के लिए होता है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। यहाँ पे क्रीमी मतलब उनका एक फिक्स एक
वैल्यू होती है एक, मतलब उनकी इनकम होती है कि इससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है, उसे वो कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर। इसके बाद जे सी ओ आर कैटेगरी, ओनली वार्ड्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जे सी ओ एंड ओ आर ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स नेवी विल अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। आप इसमें जे सी ओ और ओ आर वाली कैटेगरी में करोगे, ठीक है। बाकी सिविलियन ऑफिसर इस श्रेणी के तहत केवल नागरिक रक्षा अधिकारियों के वार्ड आवेदन करेंगे, ठीक है, जे सी ओ ओ आर नहीं करेंगे। देखो जो सिविलियन ऑफिसर है उसमें जे सी ओ ओ आर नहीं करेंगे, ठीक है। अर्धसैनिक बल पुलिसकर्मी और रक्षा नायक वार्ड इस श्रेणी के तहत आवेदन करेंगे। सेनावाय सेना सेवा इस श्रेणी के तहत आवेदन करेंगे, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ से क्लियर ये चीज़ हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जे सी ओ ओ आर जो जे सी ओ है और अदर रैंक्ड ऑफिसर है कहीं भी हो, ठीक है, वो इसमें करेंगे। और जो सिविलियन ऑफिसर हैं, ठीक है, नागरिक जो कोई भी हो, ठीक है, इसमें जे सी ओ ओ आर को छोड़ के, ठीक है, जो भी वो यहाँ करेंगे। अब आपको देखो यहाँ पे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी आपको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपकी जो भी यहाँ पे कैटेगरी होगी आप इसे सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपके सामने मेंशन कर रखी है, ठीक है, 10 से 12 के बीच होनी चाहिए, 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच, जन्म दोनों दिन सम्मिलित, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखा भी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताई थी। फिर आप यहाँ पे अपना पूरा वो करोगे, एड्रेस वगैरह आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालोगे जो भी, ये पूरा है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसे आप अच्छे से फिल कर लोगे। एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस आपने यहाँ पे डाल ली। फिर आपने यहाँ पे 5 स्कूल सेलेक्ट करोगे जो भी हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर मैंने आपको उस टाइम बताया हूँ कि कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर है। यहाँ पे आपके सामने ये कई सारी चीज़ें देखो खुल करके आपके सामने ये आ जाती हैं, ठीक है। ये देखो सारे ये आर्मी पब्लिक स्कूल अलग अलग रहते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करोगे। फिर अपना हॉस्पिटल आप चूज करोगे कि आपको कैसे अपना हॉस्पिटल कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। क्या आपका भाई पहले से रियाक्ट स्कूल में पढ़ रहा है, जिसका पढ़ रहा है वो ओके करना, जिसका नहीं पढ़ रहा वो मत करना। फिर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वो करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रहेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फोटोग्राफ आएगा, यहाँ पे आपका साइन आएगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है, ठीक है। सबमिट कर लोगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वहाँ पे पेमेंट करना है, बस ये छोटी सी चीज़ थी, ठीक है, ये छोटी सी चीज़ थी। और जो आपके जब आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा तो आपके नंबर पे एक लॉग इन आई डी भी उन्होंने भेज दी, जब आप लॉग इन करोगे, ठीक है, जो लॉग इन डिटेल्स होगी, ठीक है, एक तो आपका मोबाइल नंबर होगा, एक उन्होंने आपको पासवर्ड दिया गया होगा, तो वो पासवर्ड आपको नोट रखना है, उसी से आप क्या करोगे लॉग इन करोगे, ठीक है भाई। तो ये पूरा फंडा था आपको कैसे आपको फॉर्म फिल करना, हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना और अच्छे से अब आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। गलती मत करना, गलती करोगे फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाता है और फिर आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया फॉर्म हमें कैसे फिल करना, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। और वीडियो को आपने लाइक करा होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। और मजे से अब अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, फॉर्म तो भरा ही जाएगा, प्रिपरेशन कर लो बढ़िया से, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।